मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है भल्ला किड्स में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सोल्यूशन जो है 12 जुलाई से 17 जुलाई तक के सारे ऑलमोस्ट कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आई बटन आएगा आपके सामने, उस पर आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे। और फिर जो है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे वर्कशीट के सोल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे 12 से 17 तारीख तक के, ठीक है। तो आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डाली हुई है। जैसे 16 तारीख की जो वर्कशीट है ये हिंदी की रहेगी और साइंस की भी मैंने डाल दी है, ठीक है। तो आप साइंस की भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं हाथों हाथ फटाफट से। तो इस क्लास 6 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4 रहने वाली है। साइंस की जो मैंने बताया है कि वो मैंने उसकी भी जो है सोल्यूशन कर ली है, आप चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से ये जो वर्कशीट है स्टार्ट करते हैं। भारत एक महान देश है, यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे देश को यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। हमारे देश में अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, परंतु भिन्नता के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम भारतीय तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। तो इस वर्कशीट में हमें लाल किले के में और हमारे देश के बारे में बताया गया है। तो फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपको अपने देश की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, वो दो लिखनी है आपको। तो पहली बात है, हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, जैसे अभी हमने पढ़ा ही था। दूसरा है, अनेकता में एकता है भारत में, ठीक है ना। अब भारत सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत को यह नाम किस कारण मिला, अभी हमने पढ़ा था। हमारे देश को यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा देखते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखने हैं। जैसे विदेश है तो उसका क्या होगा, देश। ऐसे मैंने विदेश देश, मृत्यु जन्म, राजा रंग, झूठा सच्चा, अनेक एक। तो अगर आपको ऐसे लिखना है, देश भी लिख सकते हैं या विदेश लिख सकते हैं, आप उल्टे सीधे कर सकते हैं, बट इसका आंसर सामने सामने ही लिखना आपको, ठीक है। मृत्यु का जैसे जन्म हो गया। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है चौथा, इसमें बोला गया है कि क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं ये कौन सी इमारत है। सब बता देंगे, लाल किला है, लाल किले की इमारत है। और इसके बारे में हमें 5 बातें लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक स्मारक है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट है, लाल किले को शाहजहाँ के द्वारा सन 1938 में बनवाया गया था। तीसरा है, लाल किले को बनने में 10 साल का समय लगा और यहाँ पे और लिखा हुआ है, आपको और लिखना है, ठीक है। और यह सन 1948 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। 14 पॉइंट देखते हैं, लाल किले को यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है, ठीक है। और 5वां पॉइंट है, 2007 में लाल किले को विश्व विरासत के शामिल किया गया था। तो हमारे जो है 5 पॉइंट कंप्लीट और वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मैंने जैसे आपको बताया है कि मैंने सारी वर्कशीट के जो सोल्यूशन हैं 12 से 17 तक के जो पूरे वीक के होते हैं सोल्यूशन कर लिए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आई बटन होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सबसे पहले जो है वर्कशीट के सोल्यूशन और वर्कशीट के लिंक पाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस चैनल में है छठी की ही डाल रहा हूँ, इसलिए 7 की नहीं डाल रहा, 8 की नहीं डाल रहा, स्पेशल जो है 6 क्लास की ही डाल रहा हूँ, जिससे कि जो 6 क्लास के बच्चे हैं मेरे से जुड़ जाएँ और उनकी हेल्प जो है फटाफट से हो जाए, ठीक है। कोई डाउट है, कमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है।